हेलो गाइस, आज हम लोग गाजर की रेसिपी बनाने वाले हैं। जो मार्केट में लाल लाल गाजर मिलते हैं उसके मुंह में जैसे ही घुल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग रेसिपी बनाते हैं। सुपर टेस्टी गाजर हलवे की रेसिपी यकीन नहीं मानेंगे, मैंने बिना मावा के ही बनाए हैं, पर टेस्ट बिल्कुल मावा जैसा है। विंटर में दो तरह के गाजर मिलते हैं, यहाँ पे मैंने लाल वाले गाजर लिए हैं, मीडियम साइज के मीठे वाले। यहाँ पे मैंने गाजर को अच्छे तरीके से धो लिए हैं और इसके छिलके अलग कर लेंगे और गाजर को बारीक चॉप कर लेते हैं। मैंने घी डाल दी है और अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। घी जो है अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो यहाँ पे मैंने जो गाजर को भून लिए थे 10 से 15 मिनट तक वो भूनेंगे, ताकि जो इसका पानी है बिल्कुल ड्राई हो जाए और गाजर का टेस्ट है बिल्कुल अलग आए। गाजर पकाते हुए बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, तो यहीं पे हम फुल क्रीम मिल्क ऐड करेंगे लगभग 1 kg और चलाते हुए पकाएंगे। अगर आपके पास मावा नहीं है तो दूध को गाढ़ा करके भी डाल सकते हैं, जिससे उसका जो टेस्ट है बिल्कुल मावा जैसा ही आएगा। यहाँ पे दोस्तों 20 से 25 मिनट हो गए हैं लगभग, गाजर जो हमारा था बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो इसी स्टेज पर यहाँ हम चीनी डाल देंगे, गाजर हमारे मीठे वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम लगभग चीनी दी है 1 kg गाजर का। चीनी हमारा लगभग अच्छे से मेल्ट हो गया, तो ये इलायची पाउडर डाल देंगे। अब चाहे तो 2 या 3 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे, जिससे घी डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और गाजर में जो है शाइनिंग भी अच्छी आती है। आप चाहो तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी रोस्ट करके डाल सकते हो। यहाँ पे सुपर टेस्टी गाजर का हलवा हमारा बन गया है। आप चाहो तो कोई से भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम ऊपर से डाले थे, जिससे देखने में इसका जो लुक है बिल्कुल रिस लगेगा, है ना। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा। ये लीजिए सुपर टेस्टी मावा स्टाइल गाजर का हलवा हमारा बनकर तैयार है। आप दोस्तों यकीन नहीं करेंगे कि ये हलवा मैंने बिना मावा के ही बनाया, जिसे खाते ही मुँह में घुल जाने वाले।